वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे हिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल है, इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर खेलिए और स्कोर हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। ये सवाल आपके FCI वाले ने पूछा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लुबनी वन। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर महान की शिक्षक कौन था? सवाल कितने अच्छे हैं, इसको UPSC वाले भी पूछे हैं और BPSC वाले भी पूछे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म में बुल का यानी कि साढ़ संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? यानी कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? क्वेश्चन क्लियर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जन्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध का अर्थ है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान प्राप्त। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आपके फ़ोन के इंटरफेस में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, वहां क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपगुप्त नामक साधु से प्रभावित होकर कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 8, सिकंदर जिन्हें अलेक्जेंडर भी कहा जाता है और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला हुआ था? क्वेश्चन को एक बार फिर से, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, झेलम नदी के तट पे ऐसा था। इसे झेलम के युद्ध भी कहा जाता है, हाई डिस्पीज का भी युद्ध इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेल्यूकस निकेटर। ये भी बहुत दिनों तक यूनानी था। क्वेश्चन नंबर 10,
इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, आज भी है। अपनी इच्छा को समाप्त करा तो फिर क्या बात है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बौद्ध धर्म का या प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म करता है कि अपने इच्छा को कम करो तो आपका कष्ट कम हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर यू, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? यदि आप आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल है आंसर देना। कमेंट करिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो कर दिए हैं उनको स्पेशल थैंक्स। और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप इसके पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। और आपके लिए जो भी वीडियो अपलोड होता है उसे ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो आपके सिलेबस के बाहर का हो। ओके, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।